अब जी शवरमा पार्टी चल रही है। आशा जी क्या खा रहे हो? शवरमा। मजे का है? सही है। यभी है? आप क्या खा रहे हो? फ्राइज। और अम्मी जी आप? ताइनी सॉस विद शवरमा। मजे का है? जी हाँ। ये हमारा पार्टी टाइम हो रहा है जी। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आप सब लोगों के? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, अपने घरों में खुश आबाद होंगे जी। आज हमारे घर में बन रहा है धनिया चिकन, जिसकी रेसिपी आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। और ये रेसिपी आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह ताला आपको बहुत मज़े की लगेगी, क्योंकि जिस चीज़ का मज़ा होता है उसका कहना चाहिए। ये देखिए जी, आप कह रहे होंगे इतना ज़्यादा धनिया, माशाल्लाह। वो जैसे कमर्शियल आती है इतना ज़्यादा। तो ये मैं आप लोगों के साथ धनिया चिकन की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। धनिया ही धनिया, अब इसको बनाएंगे। ये सबसे आ जाए ना, अम्मी इसको प्याज काटी लहसुन कहते हैं, बस प्याज भी ऐसा होता है। आज बनेगा जी धनिया चिकन। जी ये धनिया चिकन के लिए मुझे थोड़ी सी पालक भी चाहिए। इस पालक को मैं अच्छे से धो के इसको प्रेशर पे ना एक दो सीटी लगा दूंगी। ये जी दूसरे चूल्हे पे मैंने पालक को पकने के लिए रख दी है, तकरीबन एक गड्ढी से भी थोड़ी सी पालक ली है, तकरीबन आपके हिसाब से 10 रुपए की आप पालक ले लो। तो थोड़ी सी पालक ली है। जी धनिया चिकन के लिए मुझे चाहिए एक पैन, पैन में डालेंगे हम घी, पहले हम छोटा सा डालेंगे। ये डालेंगे चूल्हा, पैन में हमने डाला, अब डालेंगे घी, डाला नहीं अभी डालेंगे घी। अब हम इसमें बनाएंगे ये धनिया चिकन, जो कि बहुत ही मज़े का बनता है। और 3 से 4 सब्ज़ लहसुन की जो डंडियाँ हैं वो नहीं है, भूखे कहते हैं, पता नहीं क्या कहते हैं, ये मेरे लिए बहुत गुस्सा बन जाता है। तो मैंने अच्छे से करना ब्राउन। सबसे पहले हमें लहसुन प्याज ही डालना होता है, जो अदरक होता है वो जब ये थोड़ा सा ब्राउन हो जाता है तब हम इसमें अदरक डालते हैं। मेरे हाथ में फ्रेश आलू लेती हूँ। ये भी लहसुन और प्याज हो गया थोड़ा थोड़ा ब्राउन, तो इसमें मैं डालूंगी अब भी मेरे पास पीसा हुआ अदरक, बिस्मिल्लाह, 2 खाने के चम्मच अदरक है। लहसुन जो है आप तो सबज लहसुन भी ले सकते हो, मगर अगर आप जमे चाहें तो 8 से 10 जमे लहसुन की होगी, तकरीबन वो 2 से 3 खाने के चम्मच होगा अदरक लहसुन। और प्याज है अंदर मैंने साइज के 2 दर्जन मैंने ली हुई है, तो उनको ब्राउन करके अब मैंने डाल दिया अदरक। जब अदरक डालें तो उसकी आँच हल्की कर देते हैं, क्योंकि ये अदरक जो होता है जल्दी जल जाता है।
बहुत ही मजे की। ब्राउन हो गया अदरक भी मैं थोड़ी सी देर रख के अब मैं इसमें डाल दूंगी चिकन। चिकन डाल के तो इसी लहसुन प्याज के साथ चिकन को भी कलर देना है। ये धनिया मैंने अच्छे से धो लिया तो अब मैं क्या करूँगी, मेरा चिकन भी ब्राउन हो रहा है। देखो चिकन जो है लहसुन प्याज के साथ जब ब्राउन होता है तो उसकी ना खुशबू जो होती है ना बहुत ज़्यादा होती है। अब मैं क्या करूँगी, मेरे पास है 2 अदद टमाटर है और 3 अदद सब्ज मिर्चे हैं, ये मैं इसको डाल दूंगी। मेरे पास तकरीबन थी 2.5 पूरी और आधी एक आधी गड्ढी की धनिए की जो मैंने काट के अच्छे से धो ली है, 2.5 गड्ढी धनिए की थी। अब जो मेरे पास मसाले हैं वो मैं डालूंगी, 2 मेरे सादा से मसाले हैं वो स्टार्ट करते हैं। शायद बहुत टिकियाँ खोल दें। 1 खाने का चम्मच नमक सारी फोटो डालती हूँ, 1 आधी चाय के चम्मच हल्दी, 1/2 खाने के चम्मच इसमें लाल मिर्च, 1/2 खाने के चम्मच कुटी लाल मिर्च, 3 लौंग, 1/2 खाने का चम्मच सफेद जीरा, 1/2 खाने का चम्मच सूखा धनिया और 8 से 10 काली मिर्चें। एक चुटकी राई दाना और 1 चुटकी अजवाइन, 1 चुटकी पीसी हुई दालचीनी का पाउडर और 2 चुटकी जो हम डालेंगे काला नमक। अब सब चीजों को अच्छे से हम भून लेंगे। थोड़ा सा पानी का छींटा लगा देंगे, थोड़ा सा पानी डालेंगे ये जो मिर्च रखी है ना उनका जो धुआं जमो जड़ों वाला अदरक है वो पूरे खाने को डिस्टर्ब कर देता है। टमाटर मैंने डाल दिए, थोड़ा सा पानी और डाल के इसको हल्की आंच पर रख दूंगी, आंच कर दी हमने रख के। अब इसका ढक्कन कर देंगे बंद। तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए। अब जी 3 से 4 मिनट हो गए, इसको चेक करती हूँ। अबे तो लगा करो तो थोड़ा कर लेंगे तेज,
चिकन की जो स्मेल है वो जी हो गई है खत्म। इस कलर अच्छा कलर आ रहा है चिकन का। अब मैं साथ साथ इसके आज कर रही हूँ हल्की, इसके साथ ऐसे ढक देंगे। तो दूसरे जो हमने पालक रखी थी पालक को भी चेक कर लेते हैं, भुंजी को भी चेक कर देंगे, इसको चाहेंगे अच्छे से, क्योंकि पालक में धनिया के साथ धनिया जल्दी गल जाते हैं, तो पालक जो होती है वो टाइम लेती है, तो इसलिए मैंने पालक। अब इसका ढक्कन उठाएंगे और ये देखिए जी, ये मेरी पालक कितनी सी हो गई है। ये मैं डाल दूंगी, ये जो ग्रीन ग्रीन अभी नजर आ रही है सारी सब्जी, इसका कलर चेंज हो जाएगा। अब इसको हल्की आंच पे हम रख देंगे कि ये अच्छे से पक जाए, कुक हो जाए। पता नहीं क्या बात है जी, मैं जब भी खाना बनाती हूँ मेरा खाना उड़ फुड़ जाता है। हल्की आंच पे 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे, और साथ के साथ मैं रोटी के लिए आटा भी बना लेती हूँ, गूंद लेती हूँ। ये पैन जो है मेरे से नीचे गिर गया था तो थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, अब ढक्कन बंद करने में दिक्कत होती है, मगर कुछ नहीं होता, पकड़ तो टाइम तो निकालना होता है। ये लीजिए, अब हम चेक करते हैं अपने धनिया पालक को, धनिया पालक और चिकन को। अब हम फ्लेम करेंगे तेज, और साथ ये धनिया चिकन की यही खासियत है कि ये जो डंडियाँ हैं ना, इनको हमने ग्राइंड नहीं करना है, पता चले कि ये खाना बना क्या है, तो ये पता चले कि धनिया चिकन बना है, ये नहीं कि हम इसको ग्राइंड कर देंगे ना पता चले कि ये पालक है साग है क्या है। ये धनिया चिकन की रेसिपी है तो इसको ऐसे ही रखना होता है। अब जी एंड में हम क्या करेंगे, एंड में हम करेंगे आप चाहे तो मक्खन डाल लो, आप चाहे तो असली घी डाल लो, देसी घी। तो ये मैं जैसे घी डाल दी है थोड़ा सा, 2 खाने के चम्मच, आप इस चम्मच को ऐसे स्पैचुला के साथ पालक को ऐसे मिक्स कर लेंगे। पालक को नहीं, धनिया को, धनिया पालक को और चिकन। अब ये देखिए इस कदर खूबसूरत ये लग रही है मेरी जो डिश है, आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिए।
जी इसी के साथ मुझे दें इजाज़त। प्लीज़ ये रेसिपी आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके। ये मेरी मज़ेदार धनिया चिकन रेडी है, आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।